नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो के पार्ट टू में। और इसमें हम बात करने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर। जो लेख आया है उसमें आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनते हैं रोहिंग्या पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो विमर्श में जानते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जो बताया गया हुआ है कि बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा कर रही है। और इसके जो परिणाम उभर के आए हैं और जो भी अभी हाल ही में कुछ मुद्दे हुए हैं ट्विटर वगैरह पर लेकर, यूनियन मिनिस्टर और जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके ट्वीट को लेकर जो आपसी तालमेल ना होने की बात पता चली है। और जो एक सूचनाओं का भी सही से एक दूसरे पर सूचनाओं का भी अभाव की बात चली है पता। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या इसके समाधान है और ये किस प्रकार से शुरुआत हुई थी इसकी इतिहास में जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो लिखा है उसमें है कि भारत सरकार के एक मंत्री द्वारा किए गए एक ट्वीट ने सरकार में संवाद की कमी के गहराते संकट के साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति बढ़े रहे गंभीर खतरे की तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित करा दिया है। अब यहाँ पर जिन मंत्री की बात की गई वह है हरदीप पुरी जो कि हमारे मिनिस्टर हैं। तो उनका जो एक ट्वीट है यहाँ पर वायरल हो रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव सॉट रेफ्यूजी इन द कंट्री। यानी कि एक सीधा इसका मतलब है कि भारत ने उन सभी का वेलकम किया है जो मतलब कि रेफ्यूजी है और जो अपने यहाँ पर रेफ्यूजी ले रहे हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट करने की बात हुई थी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में, कि जो दिल्ली में है बकरवाला एरिया में, दिल्ली के ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर के लिए, इकोनॉमिकल वीकर जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। तो जो यहाँ पर पता चली वो उन्होंने कहा कि मतलब कि दिल्ली में ऐसा एरिया में उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो इससे मुद्दा उठ के आने लगा है कि क्या सरकार सारे शरणार्थियों को जगह देने लगी है और क्या ऐसे ही सभी शरणार्थियों के लिए घर वगैरह मुहैया कराने लगी है। और इससे मतलब बहुत सारे इससे अन्य मुद्दे भी उठे हैं कि मतलब जो घुसपैठी है या फिर जो ये है उनका खतरा बढ़ने लगा है उसके प्रति, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा है। क्योंकि अब पता नहीं ना हमको कि जो आए हैं शरणार्थी बनकर वो कौन घुसपैठी है उसमें से, मतलब और कौन शरणार्थी भी है और उनमें बहुत सारे आतंकवादी या कोई जो गुप्तचर होंगे और भी कुछ बहुत सारे बनकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए हालांकि गृह मंत्रालय ने जो रोहिंग्या है घुसपैठियों को ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए फ्लैट देने के मामले पर आई सफाई के बाद फिर से इस मामले की गंभीरता पर चर्चा होने के बजाय पूरी चर्चा इसी बात पर होने लगी है कि केंद्र सरकार रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाना चाहती थी या फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को शरणार्थी का दर्जा देकर उन्हें फ्लैट देने के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए नई दिल्ली नगर निगम से उस पर अमल करने को कहा था। अब जो ये मुद्दा पहले उठा था फिर से वही मुद्दे पर चर्चा होने लगी है और इसलिए यहाँ पर जो आई सफाई फिर से इस मामले की गंभीरता पर चर्चा होने के बजाय, यानी कि इस मामले की गंभीरता पर चर्चा होने के बजाय ये दोनों आपस में ही फिर से उलझ गए हैं कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है इसके ऊपर लेकर। और इसी पर गृह मंत्रालय ने भी अपना ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू न्यूज रिपोर्ट्स इन सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया रिगार्डिंग रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स, यानी कि जो घुसपैठिए हैं अवैध रूप से आए हुए विदेशी, इट इज क्लेरिफाइड दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो गृह मंत्रालय, उसने कोई भी एक डायरेक्शन नहीं दिया है ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रोहिंग्या को बसाने के लिए, इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स कर वालों को जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स है इनको बसाने के लिए कोई भी हमारे MHA ने कोई भी यहाँ पर ऑर्डर वगैरह नहीं दिए हैं बकरवाला में बसाने के लिए। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि जो मिनिस्टर है और जो हमारे गृह मंत्रालय है उनके बीच में सूचनाओं का सही से पता नहीं है। और कोई अभी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यहाँ से जो अनाउंसमेंट हुई है वह भी एक दायित्व रहता है उनका कि वो सही सूचनाएं करें और ऐसे ही अपने मन से या फिर कुछ भी ना यहाँ पर पोस्ट करें। तो इसी वजह से भी ये मुद्दा उठा है। तो यही यही मुद्दा है दोस्तों। अब ये तो रही राजनेताओं की बात कि कौन क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, पर अब हम चलते हैं हमारे इस मेन टॉपिक पर कि किस प्रकार से खतरा उत्पन्न हुआ है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा है कि अब ये इस मुद्दे को लेकर इसकी गंभीरता को छोड़ एक दूसरे से उलझ गई हैं कि कौन किसने इसका ऑर्डर दिया, दिल्ली सरकार और जो हमारा केंद्र सरकार, दोनों इस बात को लेकर इसमें एक विवाद चलने लगा है। तो
तब उसको गृह मंत्रालय ने जो ट्वीट से इतना तो साफ हो गया कि फिलहाल घुसपैठियों को भारत सरकार नागरिकों जैसे अधिकार देने के बारे में नहीं सोच रही, यानी कि नागरिकों देने अधिकार के बारे में तो नहीं सोचा है, पर क्योंकि गृह मंत्रालय के ट्वीट से ये साफ हो गया है, हमने अभी देखा है, यह भी स्पष्ट हो गया कि सभी घुसपैठियों को केंद्र सरकार उनके देश वापस भेजने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसकी शुरुआत म्यांमार के रोहिंग्या घुसपैठियों से होगी, तो यहाँ पर जो होगी गृह मंत्रालय इस बारे में सोच रहा है, ऐसे में दायित्व तो यही बनता है कि दिल्ली में रोहिंग्या को सुविधा देने के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप को छोड़ इस मामले की आंतरिक सुरक्षा के लिए पैदा एक नई चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यह राजनीतिक युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत सरकार और भारतीयों के लिए चिंता की बड़ी वजह पर बात करना जरूरी हो, तो तभी देश की आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त किया जा सकेगा। हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से यह मुद्दा उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, पर इससे बड़ी ये जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक चुनौती बन रहा है जो रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों का भारत में जमावड़ा हो रहा है, क्योंकि वैसे ही हमारे देश की जनसंख्या इतनी और ऊपर से करोड़ों में जो शरणार्थी आ रहे हैं उससे, और इनको जो अवैध रूप से राशन कार्ड आधार कार्ड का बंटवारा हो रहा है वह एक समस्या को उत्पन्न करेगा। और जो घटनाएं भी हुई है बहुत बार, ये जो इन घुसपैठियों को लेकर जो घटनाएं होती रहती है कहीं पर, इनमें बहुत सारे गुप्तचर भी रहते हैं और जासूस रहते हैं, बहुत सारे आतंकवादी भी इनमें आ जाते हैं, तो ये इसको लेकर एक आंतरिक सुरक्षा का बहुत ही अहम मुद्दा है। तो इसको करते हैं कि समय रहते खतरे को कैसे समझे, तो इसमें एक 2017 का एक मामला देखते हैं हम, उसमें क्या हुआ था। तो वर्ष 2017 में नोएडा में हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है। दरअसल जो नोएडा की एक सुविधा युक्त सोसाइटी में उस वर्ष हुई जुलाई में एक दिन सैकड़ों लोग जो पहुंचकर पथराव करने लगे, यानी कि एक सोसाइटी पर जो सैकड़ों लोग हैं अज्ञात रूप से आकर पथराव करने लगे, उनको कुछ पता नहीं था कौन है ये और क्यों पथराव कर रहे हैं। शुरुआत में पथराव करने वाली सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों पर भारी पड़ रहे थे, सुरक्षा के भीतर सुरक्षा यानी कि सोसाइटी के भीतर जो सुरक्षा बोध है के साथ रहने वाले बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपने फ्लैट की तरफ भागे। बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल रहने के बाद पुलिस ने पहुंचकर उसे नियंत्रित किया। शहर में सोसाइटी के भीतर पूर्ण सुरक्षित रहने का एहसास उस दिन खतरे में पड़ गया, और यह घटना किसी अस्थायी बस्ती या झुग्गी में नहीं हुई थी। देश के आधुनिक शहरों में से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली से ठीक सटे नोएडा में हुई थी। इस घटना के बारे में इंटरनेट मीडिया पर आरंभिक समाचार तो यही आया कि सोसाइटी में एक घर में काम करने वाली एक महिला को उसे काम देने वाले ने बुरी तरह मारा और कार की डिक्की में बंद कर दिया, जिस वजह से महिला अपने घर नहीं पहुंच सकी है। खुद को लिबरल कहने वाले एक व्यक्ति ने फेसबुक पर यह पोस्ट डाली और उसके बाद इंटरनेट मीडिया पर यह वायरल हो गई, और किसी ने बिना तथ्य की जांच पड़ताल किए और फ्लैट में रहने वाले दंपति की बात सुने काम वाली के पक्ष में अभियान छेड़ दिया। कमाल की बात यह भी थी कि महिला के पति के साथ अस्थायी बस्ती से पथराव करने आए लोगों को मजबूर कमजोर बताकर उनके पक्ष में सरोकारी अभियान चल पड़ा। बाद में असली कहानी सामने आई तो पता चला कि ये तो कोई अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, और कुछ अलग कारणों से जो इसके बात सामने आई जो जो कि इसमें बताया गया कारण गलत साबित हुए। तो उसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे दिल्ली और आसपास में किस तरह से भर गए हैं उसका प्रमाण उस समय सामने आया है, यानी कि वो जो थे वो घुसपैठिए थे जो कि यहाँ पर आकर रह रहे थे और उन ये कार्यक्रम किया उन्होंने, इसका बड़ा प्रमाण उस समय सामने आया। वैसे भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सोसाइटी में काम करने वाली अधिकतर महिलाएं खुद को बंगाल से ही बताती है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि क्या बंगाल के सभी लोग दिल्ली और उसके आसपास घरों में काम करने ही आ जाती है, यानी यह भी एक आश्चर्य की बात है क्या बंगाल के सारे लोग यहाँ पर आ गए, क्या वहां पर इतना कार्य नहीं है, क्योंकि जिसको पूछोगे आप वही बताएगा कि हम बंगाल से आए हैं। और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सरकार को बहुत ही स्पष्ट कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके बारे में, क्योंकि इस समस्या से भारत लंबे समय से जूझ रहा है, जब से पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश बना है उसी समय से ढेर सारे बांग्लादेशी भारत में ही बस गए हैं। उस समय जो पाकिस्तान के दो हिस्सों में बांटना इंदिरा गांधी की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया था, परंतु इसलिए जो घुसपैठिए हैं उनको समस्या नजरअंदाज किया गया था। एक मोटे अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश मुक्ति के लिए हुए युद्ध की शुरुआत में ही करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ गए थे, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कितने शरणार्थी हम
उसी समय आ गए थे 1 करोड़, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, और उनमें से अधिकतर भारत में ही रुक गए। यानी कि जो 1 करोड़ लगभग शरणार्थी आए थे उनमें से अधिकतर तो भारत ही रुक गए वापिस जाने की बजाय। और जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 1917 में आई थी, युद्ध के समय प्रतिदिन करीब 1 लाख बांग्लादेशी भारत आ रहे थे। यानी कि सोचिए, अगर युद्ध 1 लाख बांग्लादेशी आ रहे थे तो प्रतिदिन कितने आए होंगे फिर भी। यानी कि भारत सरकार के लिए असहज स्थिति हो गई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भले ही पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने की बड़ी उपलब्धि को किसी भी तरह से कमतर नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन इंदिरा गांधी इस गंभीर खतरे को समझ रही थी। उन्होंने UNHCR के भारी दबाव के नकारते हुए कहा था कि किसी भी स्थिति में इन्हें भारत में स्थान नहीं दिया जा सकता। यानी कि उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने भी इस बात को समझा था, परंतु कुछ कारणों की वजह से अगर उस समय हम सही कदम उठा लेते तो आज जो इतनी शरणार्थियों की समस्या आ रही है और इतनी जनसंख्या, ऊपर से अवैध जो कब्जे हो रहे हैं दूसरे देशों से आकर, वो उनकी समस्या नहीं होती। और जो इंटरनल सिक्योरिटी के हमारे प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है उसमें हम ये समस्याएं नहीं देखते। जो वर्ष 1971 में एक साक्षात्कार में इंदिरा गांधी ने कहा भी था कि भारी संख्या में शरणार्थी आने की वजह से भारत में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार जो बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे सीमावर्ती राज्यों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी शरणार्थी शिविर बनाए गए थे। यानी कि जो शरणार्थी आ रहे थे उनके लिए शरणार्थी शिविर भी बनाए गए थे। केवल बंगाल में, और उन शरणार्थी शिविरों में जो कि बंगाल में से शिविर थे, 492 शिविर बनाए गए थे, उसमें करीब 50 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे थे। यानी कि 50 लाख तो बंगाल में रह रहे थे। त्रिपुरा में जो 276 276 शिविरों में करीब 8.5 लाख शरणार्थी रह रहे थे। मेघालय में 17 शिविरों में करीब 6 लाख शरणार्थी, असम में 28 शिविरों में करीब 2.5 लाख शरणार्थी, और बिहार में 8 शिविरों में 36,000 से अधिक, मध्य प्रदेश में 3 शिविरों में करीब 2.25 लाख, और उत्तर प्रदेश में 1 शिविर में 10,000 से अधिक शरणार्थी रह रहे थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या शरणार्थियों की उस क्षेत्र में आ गई, जबकि यहाँ पर भी जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। तो देख सकते हैं कितनी अवैध रूप से कितना फिर जमीनों पर, और आज इन शरणार्थियों को पता नहीं है, और पता नहीं है देश के अलग अलग भागों में बिखर गए हैं, और अब इनको इनका पता लगाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, और अभी अगर इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो उससे भी समस्या उत्पन्न होगी। और मतदाता सूची में नाम जो इनके धीरे धीरे जो अधिकतर बांग्लादेशी है वो राजनीतिक मतदाता समूह बनते चले गए हैं, क्योंकि वो एक वोट बैंक बन रहे हैं, और जो राजनेता है वहां के इनको वोट बैंक की तरह यूज करके इनका नाम मतदाता सूची में, राशन कार्ड आदि में लगवा रहे हैं। और जो अस्थायी बस्तियों से कब बांग्लादेशी भारतीय नागरिक बन गए इनका अनुमान लगाना कितना कठिन है, यह बात असम में NRC बनाते समय समझ में आई, क्योंकि भारतीय मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान में भेद करना कठिन हो चला था। भारत के नेता अपने छोटे हितों के लिए अस्थायी तौर पर बसे बांग्लादेशियों को राशन कार्ड की सुविधा दे रहे थे। वोट के बदले राशन कार्ड की यह व्यवस्था देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक होती जा रही थी, इसका अनुमान शायद ही किसी भारतीय नेता को लगा हो, या फिर जानबूझकर अपने छोटे हितों के लिए नेताओं ने आंखें मूंद दी थी। लेकिन यह समस्या गंभीर होती जा रही है। समय रहते यदि इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो भविष्य में यह बहुत ही गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो शरणार्थी यहाँ पर भारत में आए थे इतनी बड़ी संख्या में, और जो रिपोर्टों में पता चला था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अगर शरणार्थी आएंगे तो भारत में वैसे ही जनसंख्या इतनी है, और ऊपर से शरणार्थियों का आना लगातार यह एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है, और शरणार्थियों के साथ जो अवैध घुसपैठ हो रही है वो भी एक समस्या उत्पन्न कर रही है। अब इसका स्थायी समाधान के लिए एक ठोस प्रयास की बहुत जरूरत है, जिसमें जो कि वर्ष 1971 से लेकर 2017 और फिर 2022 तक अवैध बांग्लादेशी लगातार घुसे चले आ रहे हैं, इस कड़ी में अब अवैध रोहिंग्या भी शामिल हो गए हैं। यानी कि अब रोहिंग्या भी अवैध रूप से आने लग गए हैं, पहले बांग्लादेशी आ रहे थे। रोहिंग्या के समर्थन में हमने देश के अलग अलग मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी रैलियां देखी थी। उससे स्पष्ट हो गया था कि भारतीय मुसलमानों ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बिना सोचे समझे अपना लिया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1971 में भारत में घुसे 1 करोड़ बांग्लादेशी धीरे धीरे अपनों को भारत लाते हैं। यानी कि वो खुद तो आए हैं, उसके बाद अपने सगे संबंधी जो अपने रिश्तेदार हैं उनको भी भारत लाने लगे हैं। यानी कि राशन कार्ड से आधार कार्ड तक की यात्रा भारत ने भले लंबे समय में पूरी की हो,
लेकिन घुसपैठियों को राशन कार्ड से आधार कार्ड तक बनवाने में बहुत मुश्किल शायद ही आती है। देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए इस गंभीर खतरे को समझते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिक पंजीकरण योजना बनाकर कानून बनाए, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक वजहों से मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका जमकर विरोध हुआ। राजनीतिक वजहों से पूर्वोत्तर देश के किसी भी हिस्से में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने का काम कठिन हो चला है। दिल्ली और उसके आसपास बसे शहरों की तरह देश के हर राज्य में घुसपैठी ये चुपचाप पांव पसार रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में आजकल कबाड़ खरीदने वाले नए कबाड़ी दिखने लगे हैं। वैसे भी गांवों में रहने वालों की संख्या कम होती जा रही है, साथ ही ऐसे पुराने लोग जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो किसी भी अनजान की पूरी पहचान करना जरूरी समझते थे। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ रोहिंग्या भी अब देश के भीतरी राज्यों में पहुंच चुके हैं। अभी जब असम और बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों को पहचानने और उन्हें वापस भेजने का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आसानी से कल्पना की जा सकती है कि देश के भीतरी राज्यों में इस बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। और जो वर्ष 1971 के अस्थायी शरणार्थी शिविरों में देश के घुसपैठ की कहानी शुरू हुई थी, जो आज देश के जाने किन मोहल्ला बस्तियों में अस्थायी हो गई है और बदस्तूर जारी है। नरेंद्र मोदी से लड़ने का कोई रास्ता न खोज पाने वाली विपक्षी पार्टियां देश के नागरिकों की सुरक्षा पर भी कोई गंभीर निर्णय लेने के रास्ते में बाधा बनती दिख रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और को दरकिनार कर अपने हितों के लिए नेताओं को व्यवहार कैसे देश के लिए खतरा बन रहा है, यह साफ दिखता है। एनआरसी लागू करने के मुद्दे पर जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि इससे गृह युद्ध जैसे हालात बन कर जाएंगे, जबकि ममता बनर्जी ने विपक्ष में रहते हुए वर्ष 2005 में लोकसभा में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बंगाल में हालत बहुत खराब हो रहे हैं। ऐसे में रोहिंग्या और उससे जुड़ी भविष्य की चुनौतियों को समय रहते समझना होगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर रही इस चुनौती से निपटने के लिए सभी दलों को साथ आना होगा। सभी तभी इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशा जा सकता है और उसे क्रियान्वित भी किया जा सकता है। इसमें जितनी देर होगी देश में खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना पूरी तरीके से कि किस प्रकार से समस्या उत्पन्न हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई और किस प्रकार से ये घर करती जा रही है हमारे भारत में, इनकी समस्या अवैध घुसपैठियों की समस्या। क्योंकि शरणार्थियों को शरण देने की से पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जनसंख्या क्या है, हमारे देश में जो हालत कैसे हैं और उनके आने से क्या हमारे देश में हालत क्या होंगे। इसलिए जो ये समस्या है इस पर बहुत ही सख्त कदम और उठाने की जरूरत है, ताकि जो समस्या आने वाली है भविष्य में उनसे अभी से निपटने की तैयारी की जाए, या फिर अभी ऐसे उनको खत्म किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसलिए आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो पार्ट टू था। पार्ट वन हम इससे पहले में हमने इस पर खतरा बढ़ता बढ़ाता बढ़ता तापमान के ऊपर चर्चा की थी, और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसका भी उसमें लिंक दे रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, बेरेंट सागर के ऊपर आर्कटिक सागर में, और इसमें भी हमने चर्चा की है। आज के इस अभिव्यक्ति और इस पेज में, विचार पेज में लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आए हैं, जो कश्मीर में खतरनाक सिलसिला चल रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर फैक्ट दे रहे, बहुत सारे आंकड़े दे रहे हैं, वो आपके काम आएंगे। इथिक्स में वगैरह में ये काम आ जाएंगे आपके, जो मतलब इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, पर सामाजिक संगठन की प्रथम इकाई समाज सोसाइटी को लेकर कुछ आपको एक विचार मिलेंगे, तो आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं, पढ़ लेना जरूरी है। संवाद से समाधान क्या है, यह कि एक जनप्रतिनिधि किस प्रकार से हमको संवाद करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, उसके ऊपर भी है कि मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से सुना, और जो कुछ बातें हैं इसमें एक जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं यूपीपीएससी किसी भी स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की, तो यह एक कारगर और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।